रही है। अभी तो सोशल कर रहा हूँ मैं। जस्ट 1 मिनट, 1-2 मिनट और रुकते हैं, देन क्लास स्टार्ट करते हैं। इतने आप ये ट्राई करो क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत एनसीईआरटी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हेलो, हाँ अब्दुल्ला, हाँ अब्दुल्ला, जी सर, ये क्या बोलते हैं, इफ सी के इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, सो सी स्क्वायर ए विल बी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, राइट? फॉर्मूला अच्छा जी, अभी ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का कैसे करना है? लिखवाया है देखो, या नोट्स थोड़े से देखो, नोट्स पढ़ के नहीं आते हो बच्चों आप, नोट्स नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया था आपके साथ सर। बहुत रिकॉर्डिंग तो देख सकते हो आप, हेल्प रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते हो, बताओ। हेल्प चलो प्लीज हेल्प। अच्छा, देखो अगर आपके आपके पास नोट्स नहीं है, रुकना जरा, चलो कोई नहीं, फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया है ना आपके साथ, आप मुझे बताओ, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ यही चीज है आपकी। आइडिया ये बताओ, ये फॉर्मूला ये लिखवाया है या नहीं, ये बताओ इस क्लास में, मुझे बताओ, आप थे क्लास में उस वक्त, बताओ हाँ जी या ना। जी हाँ ना, जी मैं पूछ, अब्दुल्ला, सर बस एक सेकंड रुकिए, मुझे ट्रांसफर हाँ करना। हाँ ठीक, आदिल हिबा आपसे हुआ, और सॉरी मदीहा, नो सर, नहीं हुआ। नो। अच्छा ठीक है, मदीहा बच्चा आपके कौन सा बैच था, M5 था आपका, पता नहीं सर, लाइक हु वाज योर फैकल्टी डियर। नम्रता मैम। अच्छा, तो फिर M5 ही होगा आपका, लाइक जसलीन वगैरह के साथ थे ना, जसलीन, समीना एंड किरण, यस हाँ तो M5 ही था, नहीं M2, M2 सॉरी, M2 बैच है वो, नॉट M5, M2 बैच है। ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको। आदिल आपसे हुआ, ये क्लास में भी कराया था मैंने क्वेश्चन, याद हो तो आदिल आपको यस सर, होगी आपसे ये, देखो यस सर।
आप लोगों को रिवीजन करके आना होगा. लाइक आई एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग टू एनीबडी, आई एम जस्ट टेलिंग टू ऑल ऑफ यू, रिवाइज करके आया करो आप लोग. एटलीस्ट फॉर्मूलाज रिवाइज किया करो. जो भी चैप्टर हम कर रहे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना रिविजन के आप सॉल्व, क्योंकि काफी टाइम हो गया ट्रिगो किए हुए. आदिल हमारा पहला चैप्टर ये था, बढ़िया. आपने भी काफी टाइम पहले कर लिया होगा ये ट्रिगो, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर ही होगा आपका ट्रिगो जब आपने शुरू किया होगा. यस हाँ तो देखो इतने वक्त में आपको रिवाइज करना जरूरी होता है, और वैसे भी आपके अब इस कमिंग बोर्ड्स आपके, तो आपको रिविजन तो ऐसा होना चाहिए कि आपके हर एक एक रेशियो, हर एक एक वैल्यू आपके फिंगर टिप्स पे आ जाने चाहिए. इतना रिवाइज करो आप लोग. ठीक है ठीक है. सो अब हम इसको करते हैं. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अलाउ मी. वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस और स्क्वायर है. ठीक है, सो यू हैव टू प्रूव दिस टू इक्वल्स टू टेन ए, टेन स्क्वायर है. नाउ टेल मी, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग, लेट मी नो. बोलो जल्दी से. आदिल मदिहा बताओ बच्चों. एनी आंसर? कोई आंसर नहीं आपका. क्या हुआ, कैसे चुप हो गए सब? इज माई वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आदिल मदिया आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, यस सर, मैं पूछ रहा हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है? सेक्स करें। यस सेक स्क्वायर है. लाइक डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, बताओ जल्दी से. वन बाई टेन। वन प्लस कॉट स्क्वायर है, ध्यान से देखो आंसर. आइडेंटिटी स्क्वाडल. सर कोसेक कोसेक, कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, नॉट कोसेक, इट इज कोसेक यस सर स्क्वायर. कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब आपको टैन चाहिए, सिंपल सी बात है, आप इसको कन्वर्ट कर दो. तो बेसिकली सेक स्क्वायर इज व्हाट, वन बाय कॉस स्क्वायर है वन बाय कॉस, डिवाइडेड बाय वन बाय, वो कोसेक होता है आपका, वन बाय साइन। साइन स्क्वायर है. ठीक है, सो दिस विल गो इन द अपर डिविजन ऑफ अपर डिविजन न्यूमरेटर. ठीक है, साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर। अच्छा सीखने का टाइम स्क्वायर है। ठीक है. फर्स्ट वाला केस तो आपने प्रूफ कर दिया, अब आपको प्रूफ करना है वन माइनस टेन बाय वन माइनस कॉट होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर है. तो आर एच एस ठीक है, एक प्लस टू स्प्लिट कर दो आप जरा स्क्वायर को, जो ना दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को प्लीज स्प्लिट कर दो आप. वन माइनस व्हाट है होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए टैन, तो मैं ऊपर टैन वाले के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करूंगा. आई विल चेंज द कॉट बिकॉज कॉट कैन बी कन्वर्टेड इन टू टैन. तो कॉट किसका इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, यस और नो? तो इसको मैं वन माइनस वन बाय टैन लिख सकता हूँ, बोलो यस और नो?
दिस वुड बिकम डिवाइडेड बाय टेन ए माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन ए होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ देखो, अगर इस वाले ब्रैकेट को आप अगेन स्प्लिट कर दो तो दिस वुड बिकम टेन स्क्वायर है, बोलो यस और नो, क्योंकि अगर मैं स्प्लिट कर दूंगा तो नीचे वाला इस पे स्प्लिट किया तो टेन ए माइनस होल स्क्वायर वन माइनस टेन ए माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर है, बोलो यस और नो, ये होगा ये नहीं, बोलो। सो ये डबल डिवीजन आ गई, सो दिस विल गो इन द न्यूमरेटर ऑफ द अपर डिवीजन इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर है इंटू वन माइनस टेन ए होल स्क्वायर, क्लियर ऑन। एंड यहां बचेगा आपका टेन। अब यहां पे मेरे पास है टेन ए माइनस वन, यहां पे ऊपर है वन माइनस टेन, सो यू कैन टेक माइनस वन कॉमन, अगर आप माइनस वन कॉमन लोगे तो माइनस वन पे भी तो स्क्वायरिंग आएगी ना, माइनस वन को स्प्लिट ले लो तो स्क्वायर तो स्प्लिट हो जाएगा, होल स्क्वायर यहाँ बचेगा वन माइनस टेन ए होल स्क्वायर, सो दिस विल कैंसिल दिस एंड माइनस वन होल स्क्वायर इज वन, सो व्हाट इज लेफ्ट इज ओनली टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो आपका प्रूव हो गया, बोलो ये सुनो। आदिल मदीहा अब्दुल्ला, क्लियर है आप लोगों को ये सुनो? यस जी सर। डाउट? सर हाँ ये क्या बोलते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज हैं और सारे जो रेशियोज है, रिलेशन बिटवीन आइडेंटिटीज है, वो सब कुछ आप मुझे क्या एक पीडीएफ फाइल में भेज सकते हैं क्या, जिसमें मैं हाँ याद करके रखूँ तो थोड़ा कोई कन्वीनियंट बात रहेगा। नहीं, मैं भेज दूंगा, अभी तो 11:30 के बाद ही भेज पाऊंगा अब तो, लाइक इन आईएसटी अकॉर्डिंग इलेवन चलेगा सर, थर्टी चलेगा, माफी ठीक है मांग उस। सर। हाँ, तो मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आफ्टर दैट मैं डिनर करके मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, हाँ क्योंकि लाइक आई हैव टू ईट लाइक मेडिसिन वगैरह लेनी है, तो मैं डिनर में डिनर क्या है करके, सर? डिनर में है राजमा चावल। ओके हाँ ओए होए सर, सो ये क्लियर है ऑल ऑफ यू? जी सर, कोई डाउट है? ठीक है, जो यस। एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस थे वी आर डन, सो लाइक इट्स नॉट कि आपको अब एनसीईआरटी नहीं करनी, यू हैव टू डू एनसीईआरटी, रिवाइज द एनसीईआरटी ऑल द क्वेश्चंस अलोंग विद द एग्जांपल्स, क्लियर है? बोलो यस सर, यस सर, आप ही क्वेश्चन करो, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग बैक इन अ मोमेंट, आई जस्ट डू दिस क्वेश्चन, ओके क्लियर, जस्ट ओनली आई एम कमिंग बैक इन अ मिनट, नॉट मोर देन दैट, ओके डू दिस वन। सर आइडेंटिटीज।
यस अब्दुल्ला मदीहा एंड आदिल हुआ। सॉरी फॉर मैं सर थोड़ा मैंने सा कहा था आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में समझा नहीं। क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? अरे यानी कि वो क्या बोलते हैं, मुझे मालूम होगी तभी तो सॉल्व कर बच्चे पाऊंगा। ट्राई तो करो सिंपल। आप चलो आइडेंटिटीज मालूम की बात है। चलो एनसीईआरटी बुक है अभी आपके पास या नहीं? एनसीईआरटी भी और अपना नोटबुक भी स्कूल वाले अब दोनों जरा भी है। एनसीईआरटी ओपन करो। लास्ट वाली एक्सरसाइज, उसमें तीनों आइडेंटिटी मेंशन है। पीडीएफ में भेज दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप प्रेफरेंस ये चीज तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना कि भाई साइन यहाँ पे अगर आप साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec नहीं थीटा नहीं राइट। रुक जाओ, अगर आपको यहाँ पे देखना है कि भाई आपको यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दोनों अलग अलग है, आप सबसे पहले क्या ले सकते हो? एलसीएम लो, एलसीएम के बाद उसको सिंप्लीफाई करो। क्या बन रहा है यहाँ पे? साइन स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 1+होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये चीज तो बच्चे कर सकते हो ना एटलीस्ट आप। इतना तो बेसिक कैलकुलेशन, लाइक आई एम नॉट सेइंग इतना कि तो नहीं यार अब्दुल्ला इतना तो इतना, अगर 1/2 लिखा है, 1/2 लिखा है, आप 1/4 तो लिखे, इसको 1/1 तो बना ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो आते। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो यही भी यहाँ पे एटलीस्ट इतना तो स्टार्ट करो धीरे धीरे, तभी तो आगे बढ़ोगे भाई। अगर आप इतना इसको नहीं, नंबर में सिंप्लीफाई, थोड़े थोड़े आ भी जाते हैं, बट ये वो लिखा हुआ है अलग अलग चीजें। और किसी से हुआ? आदिल आपसे हुआ? हिबा वो मदी आपसे हुआ? ओके नो सर आई एम ट्राइंग। okay. नो सर देखो देखो थोड़ा सा अपना बच्चे और एफर्ट डालो। तो यहाँ देखो, अब आप एलसीएम लो, सबसे पहले आपका काम एलसीएम लेना है, कोई भी आपको सॉल्व करना है, अगर ऐसे स्प्लिट हुआ हुआ है एलसीएम लो। एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बात हुई है एलसीएम लो की, बात हुई है। तो यहाँ पे आपका साइन इंटू साइन, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा, व्हाट इट वुड बिकम? साइन स्क्वायर थीटा थीटा वन प्लस प्लस 1+ cos होल cos कॉस थीटा द होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। या तो आप यहाँ पे ऐसे देखो, दो अप्रोच है इसके, अब दो मेथड है। या तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1 cos² θ, ठीक है? और आपका, या फिर आप इसको कॉस को ओपन, 1+ cos² होल, 1+ cos θ होल स्क्वायर को ओपन कर लो। दो आपके पास अप्रोच है, जो आपको बेहतर लगे। सो लेट्स देखते हैं कौन सा ज्यादा शॉर्टर अप्रोच है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? चलो मैं इसको देख लेता हूँ, 1 cos² θ को लेके देखते हैं। प्लस 1+ cos θ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1+ cos θ, ठीक है? ये देखो आप, यहाँ 1 cos² θ को मैं लिख सकता हूँ 1 cos θ, 1+ cos θ, बोलो यस और नो? यस सर। जस्ट अ सेकंड, माय स्क्रीन गॉट फ्रीज्ड।
रुक जाओ, देखो मैं यहाँ से 1 प्लस कॉमन आ गया, साइन थीटा 1 से 1 कॉमन, 1 बचेगा साइन थीटा, ठीक है हो जाएगा इससे भी, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, और इसको होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहां से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, बोलो ये छोड़ लो, 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने क्या लिया कॉमन, ठीक है, अंदर क्या बचेगा आपका इसमें, यहाँ वाले टर्म में क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बोलो यस और नो, अंदर क्या बचेगा, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो 2 बचे अंदर, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 cosec थीटा। अब बताओ ये इज दिस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सच्ची बताना ये डिफिकल्ट है, ये नो सर, एनसीईआरटी लेवल का ये पूरा आपका कुछ भी नहीं था, आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करते जाओ आंसर आता जाएगा, आप अगर इसको ओपन भी कर लोगे यू विल गेट द आंसर। 1 प्लस कॉस को ओपन करो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन ऑलरेडी देयर, तो 1 बन जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 कॉमन लो, 1 प्लस 1 cos थीटा बचेगा, cos थीटा को, देखो मैं इस वाले स्टेप में करके दिखा देता हूँ आपको, अब देखो ये और ये, ये और ये तो 1 बन गया, 1 और 1 प्लस 2, यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा, उससे कैंसिल हो गया, 2 आपका न्यूमरेटर में, cos साइन थीटा आपके डिनोमिनेटर में, 2 cosec थीटा, दोनों फॉर्मूला लग सकते हैं आपके, क्लियर हुआ आप लोगों को, ये बताओ। सर हाउ डिड 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर बिकम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट, कौन सा पोर्शन, अब्दुल्ला ये आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद किया होगा, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि देखो लास्ट क्लास में ये फॉर्म यहाँ पे मैंने बताया आपको, और एक और क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, चलो यहाँ नहीं बताया था, एक ही क्वेश्चन, एक के 2 क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको सभी को, तो ठीक है, तो यहाँ से जो आइडेंटिटी होती है, अगर आप देखो 1 का स्क्वायर लोगे तो अल्टीमेटली अब्दुल्ला 1 ही तो आएगा ना, है नहीं, 1 ही आएगा ना, अरे बोलो, जी, ठीक है, साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, क्योंकि साइन की प्रॉपर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, तो मैंने कॉस को, साइन को, मतलब साइन उधर रखा, कॉस उधर भेज दिया, यहां से देख लो, मैं देखो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ए ए माइनस बी और ए प्लस बी, और 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहां से मैंने 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन लिया, यहां से 1 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिखा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस 1 2 बचा, 2 sin थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा जो आपका ये था यहाँ कैंसिल हो गया, तो 2 by sin थीटा इज लेफ्ट ओनली, बताओ समझ में आया नहीं, बोलो सर। अब्दुल्ला, रिवीजन करो, रिवीजन नहीं करोगे तो हर चैप्टर में यही हालत होगी, सच बता रहा हूं मैं आपसे, जी जब से आप मेरे साथ आए हो, जब से मैं सभी से यही कहता आ रहा हूं कि हर चैप्टर का रिवाइज करते चलो साइड बाय साइड,
रिवाइज करते चलो, भूले को नहीं, रिवाइज करते चलो। अगर आप नहीं रिवाइज करोगे और एक साथ रिवाइज करने बैठोगे, कभी भी आप वो चीज आप उतनी पोटेंशियल के साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप प्रेशर में आ जाओगे। अब वही आप कर रहे हो, अब वही किया आपने, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा बच्चे, ठीक है? रिवाइज कर लो, रिवाइज करो, ठीक है? जी नेक्स्ट क्लास में बिना रिवाइज के, मतलब रिवाइज करना ही करना, ठीक है? ओके सर, बिना रिवाइज करे आओगे तो यही बात हो जाएगी फिर, ठीक है? कि आपको आता है, आई नो कि आपको, देखो मैं नहीं कह रहा आपको आता है, आपने रिवाइज नहीं करा तो कहाँ से याद रख लोगे? अगर कोई बात है, सपोज करो आपकी मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, आप सबकी मम्मी खाना, अम्मी खाना बनाती हैं, अगर अम्मी खाना बनाते हुए खाना बनाना छोड़ दें, 1 साल 2 साल 3 साल खाना नहीं बनाए, क्या वो चीज रिकॉल कर पाएंगी कि क्या चीज डालनी है क्या चीज नहीं 2 या 3 साल बाद? बताओ, दो तीन प्रॉब्लली ये साल चीज प्रॉबेबली यस yes. मॉम को बहुत मैं बहुत वो नहीं कह रहा, एक्सपीरियंस बहुत एक्सपीरियंस है, आई एम सेइंग दैट थिंग यस, बट कुछ ना कुछ चीज ऐसी होती है, एज अ ह्यूमन बींग शी विल ऑल्सो फॉरगेट। है। यस अगर प्रैक्टिस करते रहोगे काम चलता रहेगा, जहां आपने प्रैक्टिस छोड़ी काम खत्म। यस ये क्वेश्चन करो जरा, सिमिलर क्वेश्चन है बट थोड़ा सा रेशियोस चेंज है। सर, एक एक दो लाइन ऊपर करिए, बस कॉपी कर रहा था। बोला कॉपी करने की जगह बच्चे खुद ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, अगर आपने समझ लिया तो हमेशा ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के, जहां स्टक हो वहां देख लिया। मदिया आपको समझ में आया? यस सर, मजदी आप इतना कम, मतलब बहुत साइलेंट रहते हो क्लास में, क्या हुआ बच्चे, समझ नहीं आता आपको? नहीं सर, एक थोड़ा सा एक्टिव रहा करो हमेशा क्लास में, जो है ना आपकी लर्निंग जब भी अच्छी होगी, जब आप प्रोएक्टिव रहोगे, कॉन्टिन्यूसली आपके 2-वे कॉन्वर्जेशन होगा, ठीक है? यस सर, मधी अब्दुल्ला आदिल आपसे हुआ बच्चे? यस सर, हो गया सॉल्व? यस सर, ठीक है अब्दुल्ला आपसे? करो करो सर, डन करो। मधी आपसे? सर। ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, आपको 3 चैप्टर्स के कुछ मार्क क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स एंड लीनियर इक्वेशन, यस और नो? यस सर। तो आप लोगों में से किसने सॉल्व किए वो क्वेश्चंस सारे? प्लीज लेट मी नो। सर विच वन? ये साधन, यू सेड समथिंग, सर विच वन? जो तीनों टॉपिक्स के आपको, चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन मिले थे ना, मार्क क्वेश्चंस, जो वेंसडे तक आपको सॉल्व करने थे। यस आपने सॉल्व किए वो सर। यस सर। नो सारे? सर, नॉट फुली। अच्छा ठीक है। मरीहा, आपने? नहीं सर, सारे नहीं। अच्छा ठीक है। अब्दुल्ला, आपने? जी सर। आपने क्वेश्चंस किए कौन से वाले सर? जो आपको रिसीव हुए थे व्हाट्सएप से, मार्क्ड क्वेश्चन 3 चैप्टर्स के, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन। तो सर पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशंस के लिए वो उसके रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। के सारे के 4 क्वेश्चन सिर्फ रियल नंबर में वो कर लिए? अच्छा हाँ, रियल नंबर्स के तो हैं सर, लेकिन उसके नहीं के क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर पॉलिनोमियल्स के। लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। तो आप लोगों को वो क्वेश्चंस सारे सॉल्व करने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लाइक वो उसको मार्क कर लेना आप क्वेश्चंस को, एंड वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस इन द रिवीजन क्लासेस, ठीक है? बोलो यस और नो, ठीक है? सर आई गेस दो दो पीडीएफ भेजे गए थे ना होमवर्क के। 3 थे अब्दुल्ला, 3 थे। तीन? हाँ, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन नहीं एंड नहीं टू मतलब दो वेरिएबल्स। दो पीडीएफ से होमवर्क के ना, दो दो होमवर्क भेजे गए थे ना। आई डोंट नो यार, मुझे इस वाले का पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जो आपके लर्निंग व्यू के अकाउंट में पीडीएफ है, वो वाली पीडीएफ आपके साथ शेयर हुई थी। अच्छा ठीक है, मैं देख हाँ लूंगा। देख लेना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अब्दुल्ला, कुछ सॉल्व हुआ आपसे? कुछ सिंप्लीफाई किया आपने? टेंथ क्लास में दैट वाज द ट्रिग्नोमेट्री इज द फेवरेस्ट, यू कैन से फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइंड। मैथ ट्रिगो ट्रिगो आई से ट्रिगो ट्रिगो चैप्टर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें आपको एक्सटेंड करना हो कुछ, मतलब मुझे ये चीज एक नई चीज लगी थी, सच बता रहा हूँ। और ये सबसे अच्छा चैप्टर मुझे लगा पूरी 10th क्लास की बुक में अगर देखूँ तो। हम लोग के लिए जानना में ऐसी बात नहीं है अब्दुल्ला साहब, आप रिवाइज करोगे तो जहन्नुम नहीं होगा, ये जन्नत बन सर, हम लोग जाएगा। के स्कूल में आप आके हालत तो देखिए ना, तब अब्दुल्ला पता साहब स्कूल चलेगा। छोड़ो, आपने मेरे साथ क्लास ली है ना, स्कूल की बात ही नहीं है, आप तो मेरे साथ आए थे ना भाई। मेरे साथ 2 चैप्टर्स को छोड़ के आपने मेरे साथ तो क्लासेस ली है ना। हाँ या ना बोलो। अरे बोलो, कैसे? 2 चैप्टर्स को छोड़ के आपने मेरे साथ तो क्लास ली है ना भाई। आपने ट्राइंगल्स मेरे साथ किया, आपने कोऑर्डिनेट मेरे साथ किया, आपने रियल नंबर मेरे साथ किया, आपने सर्कल्स मेरे साथ किए, रिलेटेड टू सर्कल, सर्फेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, और कौन सा चैप्टर रह रहा है, ट्रिगो एप्लीकेशन, ओ सॉरी ट्रिगो नहीं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो आपने मेरे साथ किया, एपी आपने लास्ट एक्सरसाइज किए मेरे साथ। जी तो अब बताओ, मैक्सिमम पोर्शन आपने मेरे साथ किया। अगर आप, मैं 80 में से अगर मैं बात करूं, आपने एटलीस्ट मेरे साथ 65 to 70 के बीच का पोर्शन तो कवर किया है मेरे साथ। हाँ ना बताओ, बोलो जी किया है ना? तो फिर
स्कूल के बाद कहाँ से आ गया अब्दुल्ला? अब देखो ये मैंने कुछ नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई कैन सी दिस थिंग, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से मैं टैन कॉमन ले सकता हूँ। देखो बोलो, दोनों में टैन कॉमन है ना, आई कैन टेक टैन कॉमन। चाहता तो मैं यहीं से ले सकता था, आप बाद में भी ले सकते, पहले भी ले सकते, बात एक ही, अंदर बचेगा वन माइनस सेक ए, ये जो है माइनस ब्रैकेट है माइनस वन माइनस सेक ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय वन माइनस सेक स्क्वायर ए, क्लियर है? देखो आप चाहो तो वन माइनस सेक स्क्वायर को डायरेक्ट माइनस टेन स्क्वायर ए ले सकते हो, अगर आपको दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना, तो सिंपल है, सेक स्क्वायर की जगह आप वन प्लस टेन स्क्वायर रख दो। देखो पहले तो ये टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स स्क्वायर है, क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? उसको वो भी लिख सकते हैं ना, वन माइनस सिक्स अब्दुल्ला स्क्वायर इज इक्वल अगर टू हाँ टेन ए। वन माइनस, नहीं, वन माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो आप नोट्स में अब्दुल्ला, अच्छा हाँ ओके, सिक्स टेन स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल ए इज टू इक्वल वन, टू वन, तो आप सेक स्क्वायर ए को सॉरी उधर लेके जाओगे तो माइनस ऑफ टेन बच रहा है ना, तो यहाँ से टेन बचा टेन ए इंटू माइनस माइनस टू सेक ए, बोलो ये सुनो, डिवाइडेड बाय यस माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए, बोलो ये सुनो, सो दिस नेगेटिव विल कैंसिल दिस नेगेटिव, दिस टेन विल कैंसिल दिस स्क्वायर टेन, व्हाट इज लेफ्ट इज टू सेक, को आप क्या लिख सकते हो, कॉस वन बाय कॉस बेसिकली, इनटू टेन को आप लिख दो साइन और कॉस में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि साइन बाय कॉस होगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस विल कैंसिल दिस, व्हाट इज लेफ्ट इज टू बाय साइन टू ए, बाय साइन तो वन बाय साइन ए अब्दुल्ला क्या होता है, कोसे जी के, सर, वन बाय साइन ए कोसे के होता है ना, जी दी सर, हाँ, वन बाय साइन ए कोसे के होता है या नहीं, यस सर, यस सर, वेरी गुड, सो ये आपको प्रूव करना था, इज इंट दिस अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन अब्दुल्ला, बताओ ये बताओ मुझे आदिल मदीहा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था या नहीं, देखो पिछले वाले से वेरी सिमिलर, यस सर, सो अब्दुल्ला सिर्फ ट्रिगो में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंप्लीफाई करना होता, आप नंबर समझ के इसके साथ खेलो आप लोग, अब्दुल्ला मदीहा एंड आदिल क्लियर है, नंबर समझ के खेलो आप ट्रिगो को, तो आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, और अब्दुल्ला आप ये खुद ही सोचो कि अगर मैं खुद प्रैक्टिस छोड़ दूं मैथ्स की तो क्या मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा, मैं एक साल के लिए भी प्रैक्टिस छोड़ दूं अगर आपकी मैथ्स की, बताओ, मैं पढ़ा दूंगा लेकिन मुझे फिर खुद से पहले खुद भी पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी मुझे पढ़ाने के लिए आपको पढ़ाना, मुझे आपको पढ़ाने के लिए मुझे पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा अगर मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा अपनी, तो इसलिए प्लीज एंड प्लीज रिवाइज रिवाइज रिवाइज, रिविजन इज द की, रिविजन इज द की, चलो जल्दी से क्वेश्चन करो, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, देखो मैंने आपको बताया था ना, एक एक जगह आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको यू कैन से आपके फंडामेंटल रेशियोज, यहाँ पे क्या दे रखे हैं आपको मिक्स्ड रेशियोज यहाँ, ठीक है, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, पहले स्टेप क्या कर सकते हो आदिल अब्दुल्ला मदीहा, अगर आपके एक साथ सिंपल रेशियोज गिवन है और यहाँ पे ये वाले गिवन है, आप क्या कर सकते हो, क्या अप्रोच सॉल्व यूज कर सकते हो, ऑल द आइडेंटिटीज, आप सिंपल से पहले कहा था ना कि अगर आपके मिक्स्ड रेशियोज होते तो आपको उनको सिंपल साइन कॉस में ले लो आप, यस सर, तो आप इसको सिंपल साइन कॉस में लोगे तो अंदर इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके देखो, मैंने हिंट दे दिया आपको ये, और देखो फिर उसके बाद आपको आंसर दिख जाएगा खुद ब खुद, तीन लाइन की कैलकुलेशन है, प्रॉपर थ्री लाइन्स,
फिर साइंस को ए प्लस कॉस को ए इज इक्वल टू वन, सो बिल्कुल व्हाट विल बी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अच्छा ठीक है, उसके यहां तक आ गए आप अब्दुल्ला। अब देखो आपका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन डिनोमिनेटर है, तो आप क्या डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकते हो आप हर एक न्यूमरेटर को, मतलब साइन के नीचे आप ले आओ, कॉस के नीचे आप पूरा डिनोमिनेटर ले आओ, फिर देखो स्प्लिट कर दो बीच वाला साइन, क्या फिर सर? देखो आपको आंसर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन डिनोमिनेटर है ना, एलसीएम लेने वाले बाद, एलसीएम लेने के बाद का डिनोमिनेटर आया है ना, वो अल्टीमेटली आपका जो आंसर के टाइप में आ रहा है, बोलो हाँ है ना। इसको एलसीएम लेना है। नहीं यार एलसीएम तो ऑलरेडी है, वो एलसीएम लेने की क्या जरूरत पड़ेगी इसमें। देखो देखो ट्राई, थोड़ा सा और ध्यान लगाओ। सर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए नहीं नहीं विल बी वन अब्दुल्ला, माइनस नहीं नहीं कॉस ए कॉस ना? में तो चेंज नहीं करना, कॉस में चेंज नहीं करना। आप यहां तक ठीक आए हो, थोड़ा सा कॉस में कुछ नहीं चेंज करना, बस आपको डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना है हर एक न्यूमरेटर के नीचे, इतना मैंने हिंट दे दिया। आप सर एक बार थोड़ा सा करके बताइए ना। नहीं 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 क्वेश्चन करो तो, अरे करो तो। प्लीज हाँ प्लीज नहीं 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 इतने बुरे तरीके में थे दिल्ली वाले। अच्छा नहीं आई एम नॉट सेइंग कि आई विल नॉट डू, आई विल डू, बट ट्राई तो थोड़ा सा एफर्ट तो मारो। शायद मैंने सुना था दिल्ली दिल वालों की है ना। अच्छा हाँ दिल्ली दिल वालों की, बट आई एम फ्रॉम, आई एम अ बिजनौरी, आई एम अ यूपी पर्सन। दिल्ली राइट हो रही हाँ यस आई एम इन दिल्ली, एंड मेरे पूरा लाइक बचपन से लेके इतना बड़ा हो गया, आई एम फ्रॉम लाइक आपका, मेरा ग्रोन अप पूरा दिल्ली में हुआ हूँ। दिल्ली। डेलीट नॉट डेलियन, इट्स डेलीट, मुंबई हाँ अनोन, डिलीट मुंबई जो भी अनोन हाँ यार, सर डिलीट डेलीट्स, एलीट जो भी यहाँ से हाँ डेलीट एलीट एंड डेलीट। चलो तो ठीक कर है दीजिए अब्दुल, सर। आदिल और कर मदी आपसे हुआ बच्चे। यस सर अच्छा यस ठीक है सर चलो, देखो हो गया, मैंने हिंट दिया, देखो वो लोग समझ गए, आप नहीं समझना चाह रहे थे, आप समझे ही नहीं। ऐसा भी नहीं सर। एक ही स्टेप था अब्दुल्ला, आप आंसर के करीब आ गए थे, एक ही स्टेप था वो जो आपको स्प्लिट करना था, जो मैंने आपको हिंट दे दिया था। एक्चुअली मैं खाली आइडेंटिटीज देख के बता रहा था आपको सिर्फ। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, टैन और कॉट को साइन में ले लेता हूँ मैं। अब्दुल्ला यही तो कमी है आपके अंदर, आप लिखते नहीं हो, सिर्फ आप सोचते हो कि ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है, आप लिखोगे तभी आपको दिखेगा आंसर, ठीक है, बिना लिखे आपको आंसर दिख तो जाएगा बट आप उसके लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओगे, जो कि आंसर फाइंड आउट करने के लिए बहुत जरूरी होता है, बोर्ड्स में यही आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। तो देखो ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो गया, प्लस ऑफ कॉस अल्फा हो गया, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के
ये पूरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन, यस और नो बोलो। वन ऐसा यहाँ पे आपका हो गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब्दुल्ला यहाँ सॉल्व किया था आपने या फिर जस्ट आप बिना देखे ही लाइक आपने सिर्फ देखा कि हाँ यहाँ पे बन रही आइडेंटिटी, तो यहाँ पे मैं ऐसे सब्सिट्यूट कर सकता हूँ वन को, नहीं बोलो। सर, आई टोल्ड यू राइट, मैं आइडेंटिटीज बोल रहा था सर। ये अब्दुल्ला साहब इतना ज्यादा बस तो आते ही नहीं मुझे करना ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वन ही इट वुड बी सेम साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब क्या करो आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, तो स्प्लिट करने का मतलब साइन अल्फा बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हुआ, देखो जस्ट अ सेकेंड यार, एंड प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, व्हाट इज लेफ्ट विद यू इज दैट वन बाय कॉस अल्फा प्लस ऑफ वन बाय साइन अल्फा। वन बाय कॉस अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा प्लस वन बाय साइन अल्फा क्या होता है, कोसेक अल्फा। बताओ यार इतना, अब इसमें भी अब्दुल्ला हिंट मांग रहे थे मुझसे। ठीक है अब्दुल्ला, सिर्फ आप रिवीजन क्लास ले रहे हो तो लिखो बच्चे लिखो। क्लियर है सबको, बताओ जल्दी से, इज एवरीबडी यस क्लियर सर, विद दिस, एनी डाउट टिल नाउ, नो। श्योर? चलो दैट्स गुड, चलो ठीक है, चलो चलो तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे टाइम तो हो गया है, क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे अब। चलो तो यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि ये कंटिन्यू करेंगे या फिर हाँ लाइक कुछ और टॉपिक्स लें। ये लाइक ऑलमोस्ट 3 क्लासेस दे दी हमने इसको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, होमवर्क ऑलरेडी आपके पास है, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस एंड शेयर द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस शेयर करने हैं आपको, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है।